मैं जरूर देख सकते हैं। तुम्हें अभी भी वहीं जाना है सिम्बा? हाँ, मुझे जानना है मेरे माता पिता कहाँ से थे। वो मेरी जन्मभूमि है। पर तब हम मिल नहीं पाएंगे। तुम वहाँ आ सकते हो। नहीं, मैं नहीं। कैसे हो दोस्तों? हाँ? तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? हम तैयारी कर रहे हैं, याद नहीं? हम हमारी सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं। हाँ, पर तुम दोनों को अपना ध्यान रखना चाहिए। तो क्या तुम दोनों यहाँ से जाना चाहते हो? नहीं, बक्शोट वहाँ नहीं आना चाहता। क्यों नहीं? तुम्हें जाना चाहिए। मैं वो जंगल देखना चाहता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो तुम दोनों हमको छोड़ दोगे? अभी नहीं, अभी तो हमें और ताकतवर बनना है। और थोड़ा बड़ा भी। सही कहा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? खबर दे रही हूँ। क्या हुआ, घर पे सब ठीक तो है? नहीं। हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये खबर तुम्हारे लिए नहीं है। तो किसके लिए है? अगस्त्या, ये खबर ईगल किंग ने भेजी है। मैं उनकी खबरी हूँ कई सालों से। तो जो पहाड़ के ऊपर उड़ रहे थे वो ईगल किंग थे? वाह, मैं भी उनसे बात करूँगा। चलो जरूर दौड़ लगाए। बिल्कुल। बक्शॉट, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दूसरी तरफ कूदते हैं। नहीं सिम्बा, वो बहुत दूर है। चलो बक्शॉट, मजा आएगा। ये कोई खेल नहीं है, पागलपन है ये। तुम ये नहीं कर पाओगे सिम्बा। नहीं, सिम्बा मैं ठीक हूँ। सिम्बा!
कूद गए। तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम यहाँ हो? बगशॉट, बगशॉट मैं ठीक हूँ। क्या तुम भूत हो? नहीं, मैं ही हूँ। मैं गिरा ही नहीं। मुझे लगा तुम चले गए। नहीं, मुझे लगा तुम पानी में गिर गए सिम्बा। नहीं, मुझे ईगल किंग ने बचा लिया। पर तुम बच गए हैं? शुक्रिया मेरे दोस्त को बचाने के लिए। मेरा नाम सिम्बा है और ये मेरा जिगरी दोस्त बगशॉट। तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग गुम हो गए हो? हम सवाना ढूंढ रहे थे। सच में? हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं ताकतवर बनने के लिए, जिससे हम अपने घर जा सके। क्या आप कभी सवाना या हरे जंगल में गए हो? हाँ, वो जंगल वहीं पर है। राजा बनने से पहले मैंने काफी वक्त वहीं गुजारा था। बहुत ही खूबसूरत जंगल है, देखने लायक है। मुझे भी देखना है। पर क्या आपने अभी अभी सवाना देखा है? मेरी जैसी आंखों से तुम सब कुछ देख सकते हो। वाह, तो क्या आप मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? मेरे पास एक और तरीका है। हम तुम्हें दूर दूर तक दिखाएंगे, घबराओ मत। वो कौन है? वो मेरा खास दोस्त है, डरो मत। अब हम सिर्फ हवा के रास्ते से ही जा सकते हैं। तो सिम्बा तुम मेरे साथ आओ और बगशॉट तुम उनके साथ जाओ। तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। वाह! अच्छा है ना सिम्बा, तुम्हारे नीचे सवाना है जहाँ तुम्हारे पिताजी राज किया करते थे। तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे राजा थे। उन्होंने सवाना क्यों छोड़ दिया और जंगल क्यों आ गए, क्या आपको कुछ पता है? उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी और उनके राज में इस जगह ने बहुत तरक्की की। कोशिश करो सिम्बा। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हुजूर। हमें यहाँ पर शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे प्यास लगी है। सही मौका है, वो चली गई। चलो जाओ।
देर हो गई है, आप बच्चों का ख्याल रखिए। तुम्हारे पिताजी ने सवाना सिर्फ शेर खान के पीछे आने के लिए छोड़ा। मुझे पता था शेर खान ने पिताजी को धोखा दिया था। अब सब ठीक है सिम्बा, शेर खान अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे नहीं पता था मेरी माँ इस तरह मारी थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। सिम्बा क्या मसला है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या चोट लगी है? क्या ये संदेश मेरे लिए है? हाँ, अगस्त्या की तरफ से। लो, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ ये लो, ये सिम्बा और बक्सॉट के लिए है। क्या इसमें लिखा है कि सिम्बा और बक्सॉट को जादुई गोले ने चुना है, एक सवाना का राजा बनेगा और दूसरा हरे भरे जंगल पर राज करेगा। जादुई गोला। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तो क्या आप भी जादुई गोले के बारे में जानते हैं? बिल्कुल। सुनो दोस्त, सवाना के जंगल के होने वाले राजा को सलाम करो, आदर करो। पर अभी हम बहुत छोटे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईगल भी सलाम करेंगे। हमारी दुनिया तुम्हारा ही राज्य है, जैसा कि तुम्हारे माता पिता के समय पर था। मैं और मेरा दोस्त आपकी सेवा में रहेंगे। अब हम आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ आपका जन्म हुआ था। शेर खान को उसके किए की सजा दिए बगैर मैं जंगल नहीं छोड़ूंगा। वैसे वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो भी राजा बनना चाहता था। अगर हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताएं। सच में? भरोसा करें? हाँ, हम आपकी कोई भी सेवा कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। क्या बात है। हमें अब वापस घर चले जाना चाहिए। ठीक है, हम ले चलते हैं, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं, हम भाग कर जाना पसंद करेंगे। हाँ, वैसे भी हमें कसरत की जरूरत है। शुक्रिया, शुक्रिया महाराज। ये लोग अच्छे राजा बनेंगे। अलविदा मेरे दोस्तों, संभल कर। क्या तुम्हें लगता है सिम्बा और बक्सॉट ईगल के साथ चले गए? ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। हाँ, उन्होंने अलविदा भी नहीं कहा। मैं जानती थी वो हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। पर उनके बिना मजा भी तो नहीं आता। जाओ। हे, क्या हो गया है? सिम्बा और बक्सॉट चले गए। क्या मतलब है? वो दूसरे राज्य में चले गए। नहीं, वो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या पता वो हमें सच में छोड़ के चले जाएं। Ha ha ha!
तुम लोग आ गए मेरे बच्चों। सफाना, सिम्बा, सिम्बा, सब ठीक है सिम्बा, घबराओ मत। तुम एक बस बुरा सपना देख रहे थे। मैं सवाना के ऊपर से उड़ रहा था और मैं गिर गया। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सवाना दिखाऊं ताकि तुम वहाँ खुद जा सको। सच में बगीरा? हाँ, और मुझे एक छोटा रास्ता भी पता है, चलो। और बक्शोट का क्या? उसे सोने दो, वो सवाना नहीं जाने वाला। पर हम तो साथ में अभ्यास करते हैं। लेकिन आज तुम्हें अकेले ही जाना है। सिम्बा आ जाओ। चलो सिम्बा ऊपर चढ़ो, हम बस पहुंचने वाले हैं। बगीरा आप क्या कर रहे हैं? क्या सोचो कि मैं शेर खान हूँ सिम्बा? आ जाओ, आ जाओ। तुमने अच्छी कोशिश की सिम्बा, चलो चलें। तेज। चलो अलसी बच्चे, समय हो गया है। सिम्बा तो चला भी गया बगीरा के साथ अभ्यास करने। चलो आओ, आज मैं तुम्हें आत्मरक्षा सिखाऊंगा। वो पेड़ देख रहे हो, समझो कि वो शेर खान है या फिर शिकारी, ठीक है? अब तुम कोशिश करो इसे गिराने की। नहीं बक्शॉट, तुमको और ताकत लगानी पड़ेगी, फिर कोशिश करो। ऐसे ही, बहुत अच्छे। इस बार ऐसे करो कि दुश्मन तुम्हारे सामने है। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ बक्शॉट। चलो कूदो सिम्बा, तुम कर सकते हो। सवाना जाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा सिम्बा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? तुम्हें आगे ऐसी कई तकलीफों का सामना करना पड़ेगा एक राजा बनने के लिए, और मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा सोचो कि शेर खान उस तरफ है। मैंने कर लिया, कर लिया। ये बहुत बढ़िया। हमने कर दिखाया। बगीरा आपने मुझे छोटा वाला रास्ता तो दिखाया ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। पर हमारा साम्राज्य कैसे मिलेगा? उसे पाने के लिए तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। हाँ समझ गया। हाँ मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं ही नहीं।
कमाल का नजारा है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अगस्ता ने मुझे कहा था कि ज्यादा थकावट की वजह से तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिख सकती हैं। शायद ठीक ही कहा था उसने। मुझे आराम करना चाहिए आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। मुझे लगता है हम उनके पीछे जा रहे थे हुजूर। चुप रहो तवाकी, तुम मेरा ध्यान बटा रहे हो। तुम्हें लगता है कि हम उनके आगे जा पाएंगे एलेक्स? हाँ बिल्कुल, हमें ये हर हाल में करना होगा। अगर हम सुबह का इंतजार करेंगे तो हो सकता है वो भाग जाए हुजूर। अभी वो थके हुए होंगे, लड़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? तुम मुझे परेशान कर रहे हो तवाकी, हम कल तक रुकेंगे। और हुजूर ये समय हमला करने के लिए अच्छा है, देखिए ना। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि उन्होंने कोई जाल बिछाया है। क्या हम कभी गलत हुए? नहीं हुजूर, आप तो हो ही नहीं सकते गलत। मैं यहीं पर हूँ, शांत रहने की कोशिश करो। हमें कोशिश करनी है कि इन सबको अभी ना उठाएं। हमारे दोस्तों को आराम की बहुत जरूरत है। मैंने सोने की कोशिश की पर शोर बहुत है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस गुफा में हैं और तुम यहाँ कैसे पहुँची? हमने चुपके से शेरखान का पीछा किया और यहाँ तक आ गए। वो और तबाकी बाहर चक्कर लगा रहे हैं। मैं जानता हूँ वो हमारा पीछा कर रहे हैं। ओ, वो किस लिए रुके हैं? उन्हें किसका इंतजार है? मुझे नहीं पता पर मेरे पास एक योजना है। ओ, मतलब तुम्हें वहाँ जाना है? सही कहा, पर वो ये नहीं जानते कि मैंने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। बहुत खूब सिम्बा, अब तुम खतरे से बाहर हो। कम से कम हम शेर खान की पहुँच से बाहर होंगे। तुम बहुत अच्छे हो सिम्बा। अपने दोस्तों को घर सुरक्षित पहुँचाओगे। बहुत बढ़िया सिम्बा। देखते हैं, मुझे नहीं पता दूसरी और क्या है। मुझे वो जगह बहुत अजीब लगी। तुम जाकर देखती क्यों नहीं? मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है। देखा तुमने? थोड़ा डरावना है। हाँ पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घाटी आज की नहीं किसी और समय की है। जाओ दोस्तों, जाने का समय हो गया। उठ जाओ। माफ करना दोस्तों, उठ जाओ। तो सब लोग तैयार है? चलो चलते हैं। मैं जाकर उस शेरखान को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे एक बार सबक सिखाया था और फिर सिखाऊंगा उसे। याद है ना सैम की गेंद कैसे लाया था मैं? हाँ मुझे याद है। उसे गेंद की वजह से बहुत परेशानी होती है। तुम बस जलते हो बकशॉट क्योंकि ये तुम्हारी नहीं है। चुप रहो, मुझे कोई बहस नहीं करनी आज। एलेक्स सही है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बताओगे तुम्हारी योजना क्या है?
क्या हम बात करना बंद करेंगे और दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ेंगे जो सिम्बा ने खोजा है? क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है? हाँ, पर मुझे पता नहीं है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। सही कहा। चलो चलते हैं, सब लोग साथ में ही रहना, अगस्त्य हमें राह दिखाएगा। मैं पीछे आता हूँ। क्या हो रहा है ये? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें आगे जाकर देखना होगा कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। चलो भी, डरो मत। नहीं, तुम जाओ। तुम दोनों यहाँ आओ। ये ज्वालामुखी की चट्टानें हैं। और हमारे पास उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। मुझे नहीं पता किस तरह के जीव यहाँ रहते हैं। वो देखो, वो ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। अरे, ये तो असली डायनासोर है। वो क्या है? वो ट्राइसेराटॉप्स हैं। हमें आज कुछ भी करके ये घाटी पार करनी होगी। फिलहाल तो हम ठीक हैं, लेकिन खतरा नजर आते ही मैं शाही पोशाक निकालूंगा और सबको छुपा लूंगा। सही कहा, मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल गया था। अगर मुझे मेरी गेंद नहीं खोनी पड़ेगी तो ही जाऊंगा। मैं चलने के लिए बहुत थक गया हूँ। मुझे तुम्हारी शाही पोशाक कहीं दिख नहीं रही सिम्बा। कहीं तुमने उसको खो तो नहीं दिया है? मैं देख रहा हूँ तुम सब उत्साह में एक जरूरी चीज भूल गए हो। हमें हर हाल में अपने राजा का साथ देना है। तुम सब मुझ पर भरोसा रखो और ऐसा कभी मत सोचना कि शाही पोशाक मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास ही है। क्या पता आगे कुछ शहद खाने को मिल जाए। बलू, क्या एक दिन के लिए तुम खाना भूल नहीं सकते? वहाँ पर देखो, वहाँ घाटी से होकर एक रास्ता है। क्या तुम देख सकते हो? देखो। पर हमें नहीं दिख रहा कि ये रास्ता जाता कहाँ है। जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलो चलते हैं। चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। तुम दोनों के लिए ये बड़ा आसान है। हमने ये कमाया है। ध्यान रखना, डायनासोर हो सकते हैं। वक्त आ गया है, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। तबाकी, सबको बुलाओ। उठो आलसियों, उठ जाओ निकम्मे कहीं के। हंस क्यों रहे हो? मैं अपने सपने को याद कर रहा हूँ जिसको आपने तोड़ दिया बीच में। सच में? चलो सुनाओ। बहुत ही बढ़िया था। मैं एकदम अकेला था घाटी के किनारे पर। मैं सिम्बा और उसके दोस्तों से अकेले लड़ रहा था। मैं अकेला था, लेकिन वो लोग मुझे हरा नहीं पा रहे थे। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सिम्बा मेरे सामने कांप रहा था और अपना सिंहासन कह रहा था, आप ले लीजिए तबाकी जी, आप ही हमारे राजा हैं। और वो सिंहासन तुम मुझे दे दोगे? हंसना बंद करो, मैंने तुम्हें आदेश दिया है, समझे तुम? अब जाओ, सबको इकट्ठा करो। मैं सिम्बा को वो चेहरा देखना चाहता हूँ जो वो सिंहासन मेरे हॉल। मैं चाहता हूँ कि सिम्बा को कोई गुफा से बाहर निकाले। मुझे नहीं लगता कोई जाएगा हुजूर। सब मुझे ही करना पड़ता है, बेवकूफ।
आपकी योजना क्या है हुजूर? तुम उनको मेरे पंजों में लाकर छोड़ोगे। मैं और पंजों में? शांत हो जाओ, अंदर जाओ और जो मैंने कहा वो करो। जी जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। वो सब सो रहे होंगे, डरने की क्या बात है। अरे अरे, ये तो काफी गहरी है गुफा। जाओ। यहाँ कोई नहीं हुजूर, चलिए हम लोग बाहर निकलते हैं। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी भी उन्हें सूंघ सकता हूँ। क्या हम लोग उनके बाहर आने का इंतजार नहीं कर सकते हुजूर? अगर हर पत्थर के नीचे ढूंढना पड़े तो भी मैं सिम्बा को ढूंढ कर रहूंगा। तुम उधर जाकर ढूंढो और कुछ भी दिखाई दे तो मुझे फौरन इत्तला करो। क्या करूं? मुझे पसंद नहीं है। वहाँ पर मुझे मुझे एक रास्ता दिखाई दिया हुजूर। तबाकी, आज से अगर तुम्हारी कोई आवाज निकली तो तुम्हारा गला घोट दूंगा। ये जगह कुछ अजीब है। इतनी सारी वनस्पतियों में हमें ढूंढना मुश्किल होगा। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा, आसपास खतरा हो सकता है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि कोई खतरा ना मिले हमें। कम से कम ऐसा लगता तो है कि किसी को हमारा निशान नहीं मिला है पीछा करने के लिए। ओहो, जल्दी दोस्तों मेरी शाही पोशाक के अंदर आ जाओ। आज के समय में भी ये मौजूद है। मुझे लग रहा था कि किससे कहानियां है, पर ये तो सच है। वो देखिए हुजूर। हाँ देख रहा हूँ। वो लोग कितने बड़े हैं, आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है उन्होंने सिम्बा का शिकार कर लिया हो। यार उपरा खतरे से खाली नहीं हुजूर। सही कह रहे हो, चलो। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मैं निकल लिया। मैं भी। आप मुझ पर हंस रहे हुजूर, ये सही नहीं है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बस अपने बारे में बड़बड़ा सोच रहा था। जाते जाते बची हुजूर। अच्छा बंद करो बकवास, वरना मैं तुम्हें वहाँ फेंक दूंगा जहाँ वो राक्षस लड़ रहे हैं। नहीं हुजूर, इससे तो अच्छा है कि मैं इस जगह कोई भूल जाऊँ। अब हम आगे क्या करें हुजूर? हम उस घाटी की ओर जाएंगे और वहाँ रुकेंगे। अगर सिम्बा और उसके दोस्त जिंदा बच के आ भी गए तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। क्या आपको सच में लगता है वहाँ कोई बच्चा भी होगा? इतने बड़े राक्षस तो सब कुछ खा चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। और ऐसा क्यों हुजूर? सिम्बा मेरा शिकार है, उसे खत्म करने का सुख मैं लेना चाहता हूँ। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हम घर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। हम किस्मत वाले हैं कि सिम्बा के पास शाही पोशाक है। और भी ज्यादा खुश नसीब है क्योंकि सिम्बा हमारे साथ है। और बेशक हम सब साथ मिलकर अपने राजा का साथ दे रहे हैं। खुश तब होता जब जंगल पहुँच जाते। किसे पता घर कितनी दूर है, शायद हमें रात यहीं गुजारनी पड़े। अगर ऐसा है तो हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। अगस्त्य ठीक कह रहा है, अगर हम सब साथ रहेंगे तो इस मुसीबत को पार कर लेंगे। अगर थोड़ा शहद मिल जाए तो मजा आ जाए। हमें जल्द ही कोई ठिकाना ढूंढना होगा, बारिश बहुत तेज हो रही है। हम सब बहुत थक चुके हैं। Oh.
ये मौसम बहुत भयानक है। बारिश रुक जाए तो अच्छा होगा। सब चुप जाओ, यह डायनासोर है। बदमाशों की वजह से मेरी गेंद बार-बार खोई है। चलो वो कम से कम हमारे पीछे तो नहीं आए। कोई तो जगह होगी जो हमें इस बारिश से बचा सके। और आराम भी मिलना चाहिए। वहाँ पर देखो, उस गुफा से रोशनी आ रही है, तुमने देखा? उस चट्टान के नीचे। तुम्हें क्या लगता है? देखते हैं। चलो फिर चलते हैं। ये क्या है? ये लावा के बड़े गड्ढे जैसा लगता है। इसका मतलब हम ज्वालामुखी के अंदर हैं। ये तो मुझे पूरा पकाने के लिए काफी है। ना साहब। अरे मोटू, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे और सिलवटें भी खत्म हो जाएंगी। अच्छी तरकीब है, हम एकदम से गर्म हो जाएंगे और लंबी नींद लेंगे फिर। मुझे लगता है कि हमें बारी बारी लावा पर नजर रखनी चाहिए, कहीं वो बाहर ना आ जाए। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जब तक बारिश हो रही मैं तो यही रहूंगा, यहाँ सूखा है। मुझे सबको इस घाटी से सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, मैं कुछ गलत नहीं होने दे सकता। कम से कम हमें जगह तो मिली जहाँ हम चैन से सो सकते हैं। तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए सिम्बा। अगर तुम मेरी जगह ले लो बगीरा, तो मैं जाकर सो जाता हूँ। बेशक। सब लोग उठ जाओ जल्दी से। हाँ? उठ जाओ सब, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर। हाँ? अरे नहीं, मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। एक बड़ा शैतान। क्या कोई शैतान है? वो हमें डरा के यहाँ से भगाना चाहता होगा, नहीं तो वो हमला कर देता। हाँ। देखो मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। पागल है, डर रहा है फिर भी आगे जा रहा है। हाँ सही कहा मोटू। ये तो शैतान है। देखो हमें कुछ मत करना, हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। माँ, कितना अजीब जानवर है। तू हट जाओ, मुझे परेशान मत करो, हट जाओ मेरे पास से, छोड़ो भी। क्या कर रहे हो? नहीं, अरे तुम लोग वहाँ खड़े क्यों हो? मेरी मदद करो ना। देखो ये क्या कर रहा है मेरे साथ। मुझे लगता है इस छोटे डायनासोर ने बलू को गोद ले लिया है, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। ओ अच्छे डायनासोर, प्यारे डायनासोर, बस करो अब, छोड़ दो मुझे। शायद वक्त आ गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। छोड़ दो बच्चे, जान बची तो लाखों पाए। ऐसी मुसीबत फिर से ना आए कभी। अगस्त्य तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं?
हम सीधा आगे जा रहे हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और अपनी जिंदगी में भी यही करना चाहिए। सही कहा। आ, आ? अलविदा माँ। बस भी करो। एक मधुमक्खी, वो अपने छत्ते की तरफ जा रही है। ये सही समय है शहद खाने का। उन्हें मैं बाद में मिल लूंगा। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ, गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा ही लिया था। ऐसा लगता है बल्लू फिर से मुसीबत में है। जरूर शहद खाने गया होगा। और वो मधुमक्खियाँ उसके पीछे पड़ गई हैं। वो कभी नहीं सुधरेगा। बल्लू अक्सर ही ऐसी मुसीबतों में फंसता रहता है। काओ, क्या तुम देख सकते हो वो कहाँ है? मैं कोशिश करता हूँ। वो पास में ही झील के अंदर है। गुस्सैल मधुमक्खियों ने उसे घेर रखा है। अच्छा है मधुमक्खियाँ तैर नहीं सकती, वरना इसकी मुसीबत बढ़ जाती। क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पहले ही बहुत ज्यादा थक चुके हैं। पर हम उसे यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकते, खासकर जब वहाँ पर मांसाहारी पेड़ हैं। मुझे लगता है उन्होंने हार मान ली है। अब मैं अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ। कितना प्यारा है और इसकी खुशबू तो एकदम शहद की जैसी है। तुम तो मधुमक्खियों की तरह बुरे हो। नहीं नहीं, माफ कर दो, फिर से नहीं, भागो। नहीं, मुझे लगता है बलू सच में मुसीबत में है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, बकशॉट, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा बलू को बचाने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है बल्लू, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बचो। लगता है वो पीछे हट रहे हैं। नहीं, मुझे पता था कि उन्हें सबक मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक असली डायनासोर से लड़ूंगा। तुम ये कह सकते हो। तुम ठीक हो माँ? रुक जाओ और चाटना बंद करो मुझे। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे बचाने के लिए आए। तुम बहुत बहुत बहादुर हो। आओ मेरे दोस्तों से मिलो। कैसे हो? तुम्हें आना है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। तुमने हमारे दोस्त को भी बचाया। ऐसे नाक के साथ तो तुम खुशबू सूंघने में बहुत माहिर होंगे। तुम काम आ सकते हो। Thank you.
मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई नजर आ रहा कहाँ? नहीं, कोई नहीं। मुझे लगता है वो सब रेत के नीचे दब गए हैं। हमने अपने दोस्तों को खो दिया है हमेशा के लिए। बहुत बुरा हुआ। यकीन नहीं हो रहा फ्लैश। सिम्बा। रेगिस्तान से जल्द निकलना चाहिए। चलो चलो सब फ्लैश के पीछे चलते हैं। बस पहुंच ही गए। सुंदर जगह है। हमने वादियां पार कर ली। तुम सबने साहस और बहादुरी दिखाई और हम एक साथ एकजुट रहे। हम सबने कर दिखाया। बात खोल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम सबने उस वादी को बहुत कम समय में पार कर लिया। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये कर पाओगे, पर मानना पड़ेगा। सिम्बा, नील नदी के पार से खबर मिली कि शेर खान ने यहाँ का रास्ता ढूंढ लिया है और वो इसी तरफ आ रहा है। उसने कसम खाई कि जब तक तुम अपना राज उसके हवाले नहीं करते, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बार मैं उससे डर कर नहीं जाऊंगा। मुझे क्या करना होगा? मेरी राय है कि तुम नील नदी के ऊपरी इलाके की ओर बढ़ो और सहयोगी ढूंढो। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना। याद रखना, इस पर तुम्हारा भविष्य निर्भर है। मैं जानता हूँ तुम इस काबिल हो सिम्बा। शुक्रिया, पर मैं जरूर तुम्हारी सलाह को याद रखूंगा। तुमने हमेशा ही मुझे सही रास्ता दिखाया है। देखो कौन आ रहा है। ये तो हमारा दोस्त सिम्बा है। तुम आ गए। माफ कीजिए सरकार। हुजूर, आने में इतनी देर क्यों की? इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी? बताओ जल्दी क्या कहना चाहते हो? हुजूर, मैं कोशिश कर रहा था कि कोई मेरी बात माने, पर कोई सुनना ही नहीं चाहता था। मैं मतलब क्या है तुम्हारा? ऊपर वो देखिए, उनमें से कोई आपके साथ नहीं है।
पहले यहाँ आओ और मुझे हकीकत बताओ। जब मगर बच्चों से आपकी तरफ से लड़ने को कहा तो हंसने लगे हुजूर। मुझे यकीन नहीं होता, तुमने जाकर उनसे बात की? बताओ चमचे। बिल्कुल सरकार। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि लड़ाई में सिम्बा की तरफ है वो? नहीं सरकार, ये मामला उससे भी ज्यादा जटिल है, आप जल्दी जान जाओगे। इससे ज्यादा जटिल है, मुझे जीतने के लिए उन मगरमच्छों की जरूरत नहीं है। अब अपनी ये बकवास बंद करो, बताओ क्या हो रहा है वहाँ? मगरमच्छ लड़ाई नहीं, शांति चाहते हो। जब अपना घर अपना राज्य खतरे में हो तो कोई कैसे शांत रह सकता है? बताओ उल्लू कहीं के? मगरमच्छ के सरदार ने आदेश दिया है। कौन है वो? मैं नहीं जानता, वो बहुत बड़ा है, उसके बड़े बड़े दांत हैं। मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं मगर बच्चों से नहीं डरता। हंसे क्यों, हंसे क्यों? आप भी ना सरकार, मगर बच्चों से डर, वो भी आपको, मजाक कर रहे हैं आप। अच्छा मजाक कर लेते हैं। बकवास बंद करो, मेरा दिमाग मत खाओ। दोबारा एक बार देख लेते हैं। इस जंग में हमारे सहयोगी सियार, गेंडे, सुअर, शुतुरमुर्ग, गिद्ध, इन सबको लड़ना पसंद है, खूंखार तरीके से। कौन से पंछी हैं ये तो मैं नहीं जानता दोस्तों, पर जो भी हैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे साथ हों। उम्मीद करता हूँ। इतने सारे जानवर मैंने पहले नहीं देखे, इनको गिन पाना मुश्किल है। हाँ, पर हम अपने दुश्मन को कम नहीं समझ सकते। क्या मतलब है? जरूरी नहीं कि जिसकी सेना बड़ी हो वही जीते। अभी तो इतने साथी हैं, तुम्हें तो हौसला मिलता होगा ना? तुम्हें क्या लगता है सिम्बा? मैं मानता हूँ कि मेरे दोस्त साहसी, बहादुर और वफादार हैं, और वही मेरी असली ताकत है। सिम्बा, हम सब तुम्हारी तरफ हैं, हम तुम्हारे पूर्वजों के राज्य की रक्षा के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आप सब मेरी तरफ हैं ये जानकर मेरा हौसला बढ़ गया। और हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि इस जंग में हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, जैसे तुम्हारे पिताजी के लिए लड़े थे। ये जानकर मुझे खुशी हुई। जीते रहो सिम्बा, हमारे राजा अमर रहे। जीते रहो सिम्बा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होगी, हम नहीं हारेंगे। तेंदुओं की पूरी सेना हमारी तरफ ही दौड़कर आ रही है, तेजी से। सिम्बा, सिम्बा। क्या बात है? चीतों की पूरी सेना हमारी ओर बढ़ रही है। चलो देखते हैं। पता नहीं ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। मुझे यकीन है कि वो हमारी तरफ से ही होंगे। हमारी सेना की तरफ से सलाम सिम्बा, हम तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाँ, हम सिम्बा का साथ जरूर देंगे। हम साथ रहे तो जरूर जीतेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके राज्य में सुख और शांति बनी रहे। हमारे राजा अमर रहे।
उस तरफ देखो कौन आ रहा है, ये तो कमाल ही हो गया।